चेत पुन विचिरत आज आली अभरत धड धड काळजत मज माईना राखली की मर्जी तुमच्या जोडीन मी आले फिरती छाया रंगी राया चिंबुले मिजाली राया सोडात तरी कण येण नाही भरी पुन भेटू कव तरी सजणा मला जाऊ द्यान खरी आत्ता वाजले की बारा मला जाऊ द्यान खरी आत्ता वाजले की बारा मला जाऊ द्यान खरी आत्ता वाजले की बारा मला जाऊ द्यान घरी आत्ता वाजले की बारा बारा जी जी रे जी हरे जी Sure, आपका सरनेम तिवारी है? हाँ, I'm damn sure मेरा सरनेम नहीं, ये कुछ गलत फैमिली, कुछ मुझे सर्टिफिकेट वगैरह प्लीज दिखा दो, मुझे जरा भी नहीं लगता। आप मराठी हो यार? मैं मराठी नहीं हूँ, पर मुझे मराठी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये गाना मिल गया तो आई वॉज लाइक रियली एक्साइटेड टू परफॉर्म दिस सॉन्ग विद बेला ताई। और मुझे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पहले से ही मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ मराठी मिले, और क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज से प्यार है, लिटरली प्यार है। मतलब कैसा ये कनेक्शन कैसा हुआ मराठी से इतना ज़्यादा प्यार? कारण की आमची जेव्हा कॉलर टाइट होते, जब मराठी लोगों का प्यार, मराठी लैंग्वेज पे जब लोगों का प्यार मिलता है, स्पेशली आप दिल्ली की हो, और दिल्ली की हो के इतना ज़्यादा प्यार मराठी के लिए, कैसे कनेक्शन है? मैं जब छोटी थी तो इंडियन आइडल जूनियर के लिए आई थी सीज़न वन में, तो मेरे पापा मेरे साथ आए थे, तो उस टाइम पे जब मैं मुंबई आई थी तो लोग मराठी बोल रहे थे, मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी वो, तो मुझे ये लैंग्वेज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कनेक्शन फील हुआ, और यहाँ पर आके मुझे लगा कि हाँ मुंबई में कुछ ऐसा नशा है, कुछ ऐसी हवा है जो आपको आपके सपनों से करीब लाती है और आपकी मंजिल से आपको नज़दीक लाती है। तो तब से ही मुझे मराठी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा बहुत क्रेज़ है मराठी का, तो अब जाके मुझे फाइनली मराठी गाना मिला है इतने बड़े स्टेज पर गाने के लिए। मुंबई में रहना है तो बॉस मराठी तो आलीच पाहिजे असं म्हणायला हरकत नाही आहे। मुझे बताओ किस तरह से शुरुआत हुई अभी आप कि मतलब एक इंडियन आइडल एक ड्रीम होता है सबका, अभिजीत सावंत जो था मतलब उसे तो पूरी पूरा मन छिला दिया था, पहला वाला इंडियन आइडल था, आपका अभी आगे का कैसा सफ़र रहने वाला? मेरे लिए इंडियन आइडल इज़ आइडल, मतलब मेरे लिए इंडियन आइडल जीतना एक बहुत बड़ा सपना है, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि उसके थ्रू मैं अपने जो मेरा प्लेबैक का करियर है वो स्टार्ट कर सकती हूँ वहाँ से। और मेरा ना स्टार्टिंग से ही सॉर्टेड था कि मैंने म्यूज़िक ही करना है। इनफैक्ट जब मैं 10th क्लास में थी तो 11th क्लास में चॉइस स्ट्रीम की चॉइसेस थी, तो मैंने कॉमर्स लिया, जो मेरे स्कूल में लास्ट स्ट्रीम था वही लिया, और मेरे स्कूल में लास्ट कॉमर्स ही था तो मैंने वही लिया, क्योंकि मेरा सॉर्टेड था कि मैंने आगे जाके म्यूज़िक ऑनर्स ही करना है। और बचपन से ही मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी जॉइंट फैमिली है और सब लोग मुझे सर आँखों पर बिठा के रखते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बींग अ गर्ल आई फील सो प्राउड कि वो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और सब लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव है। बचपन से आपका सपना था कि म्यूज़िक गाना ही गाना है या और कुछ भी आपके प्लानिंग थे? नहीं, मेरा बचपन से ये सपना था कि मुझे सिंगर ही बनना है, क्योंकि जब मैं छोटी थी 2 साल की तो मेरे पापा अपने ऑफिस के एनुअल डेज पे गाना गाया करते थे। मेरे पापा सिंगर नहीं है बट उन्हें गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से वो नहीं उसको परस्यू कर पाए। और जब 2 साल की थी, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पापा मम्मी की जब शादी हुई थी तो स्पेशली वो वैष्णो देवी गए थे ये प्रे करने कि हमारी बेटी हो और उसको हम सिंगर बनाएं। तो उसके बाद जब 2 साल की थी पापा गाना गाया करते थे, तो उनके गाने को मैं कॉपी कर लेती थी, मैं तोतली थी उस टाइम पे, तो उनको मैं बड़े क्यूट वे में कॉपी करती थी, तो पापा को लगा नहीं इसको तो हमने सिंगर ही बनाना है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम था म्यूज़िक की तरफ, बट धीरे 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 लगी रही, तो फाइनली अभी जाके ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ, और हाँ पापा को वो सब वापस करने का टाइम आ गया जो के लिए गाना हो जाए। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ।
हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लो देखी। क्या बात है, मेरे ख्याल से पापा जब अभी आपको देख रहे होंगे स्टेज पे, पापा के आँख में आंसू आते होंगे, अरे ये तो सपना मेरा पूरा हो गया। मेरे पापा स्ट्रांग है थोड़े, उनको बहुत प्राउड फील होता है। मेरी मम्मा थोड़ी इस चीज़ में कमज़ोर है, जब भी मुझे स्टेज पे देखती हैं तो उनकी आंखें हमेशा ही भर आती हैं, इसलिए वो मेरे शोज अभी देखती नहीं है, लाइव रिकॉर्डेड देखती हैं। तो वो हमेशा ही रोने लगती हैं, उनको इतना ज़्यादा उनका दिल भर आता है मुझे स्टेज पे गाते देखकर। जाते आते और एक मराठी गाना हो जाए। ओके कोमल काया की मोहमाया पुनव चांदन नाली सोन्यत सजले रुप्यत भिजले रत्न प्रभात नुल्याली नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली मी यौवन भिजली पाहुन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सराली इंद्रपुरी तुण खाली पसरली लाली रत्न प्रभा तनु लाली। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से बेला शिंदे के साथ आपने शुरुआत किया गाने के साथ, मराठी वराठी गाना आप गा रहे हो और बेला शिंदे जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार के साथ आप गाना गा रहे हो, तो मेरे ख्याल से और क्या चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब उन्होंने मराठी एक्सेंट भी मुझे इम्प्रूव कराया और बहुत अमेजिंग है वो, शी इज़ वेरी अमेजिंग। ऑल्सो और कौन सा गायक सिंगर है जिसके साथ, मराठी सिंगर जिसके साथ आप गाना पसंद करो? अभी तक मेरा ड्रीम था कि मैं बेला ताई के साथ गाऊँ, और वैशाली माड़ेकर के भी एक सिंगर है तो उनके साथ भी मुझे गाना एक बार। और हाँ, सबसे सबसे बड़ी चीज़ अजय अतुल जी जो महाराष्ट्र के किंग हैं। तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और उनके सामने मैं एक बार गाना चाहती हूँ, और अगर मेरे साथ गए तो अभी आप सोच रहे हो मैं कितना फंबल कर रही हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और अगर वो मेरे साथ गए तो मतलब वहीं पर डेड हो जाऊँगी मैं सच में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।